अतीक अशरफ की मौत से किसे हुआ करोड़ों का फायदा, एक शख्स से थी कट्टर दुश्मनी। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस ने तीन हत्यारों से जब जांच पड़ताल शुरू की, शुरुआती जांच में अब तक ये साफ हुआ तीनों हत्यारे कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जिसके बाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी अतीक अहमद अशरफ की हत्या सुपारी किसने दी। पुलिस के निशाने पर हर वक्त वो शख्स बना है जिसे अतीक अशरफ की हत्या से फायदा हो सकता। दरअसल अतीक की हत्या की वजह को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही। एक थ्योरी जिस पर खास ध्यान जा रहा वो ये कि अतीक और अशरफ पर अरबों का काला साम्राज्य उनकी हत्या की वजह बना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव टैक्स लिया करता। इसके लिए दो तरह की पर्ची का इस्तेमाल होता, एक गुलाबी पर्ची तो दूसरी सफ़ेद रंग की पर्ची। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख रुपए हुआ करता, सफ़ेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर। कारोबारी और बिल्डरों से कैश में ना लेकर सीधा पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया जाता। ये पैसा अतीक के खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र होता, जिसे फिलहाल ईडी ने सील कर दिया। इसके अलावा अतीक गुंडा टैक्स भी लिया करता। सूत्र बताते हैं जिन कारोबारियों से अतीक अहमद गुंडा टैक्स वसूला करता था वो अतीक से बेहद नफरत करते थे, लेकिन माफिया के खौफ के चलते उसे रकम देने के लिए मना नहीं कर पाते। अतीक के दुश्मनों में से एक नाम सुर्खियों में है, मध्य प्रदेश का नाम डायमंड बिजनेसमैन। सूत्र दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरा कारोबारी के साथ अतीक की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी से पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। अतीक ने अपने करोड़ों रुपए की काली कमाई इस हीरा कारोबारी के पास इन्वेस्ट की थी, लेकिन हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, तब से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अतीक की हत्या के बाद एक बार फिर से पुलिस के निशाने पर वो कारोबारी आ गया। इसके अलावा पुलिस बिल्डर और बड़े कारोबारियों को भी अपने रडार पर लेकर चल रही, जिससे अतीक ने चुनाव टैक्स या गुंडा टैक्स वसूला था, जिन दोनों की मौत से करोड़ों का फायदा हो सकता है।